प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात रेडियो कार्यक्रम में बेड्यू या हिमालयन अंजीर का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि उत्तराखंड में कई तरह की दवाएं और पौधे पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। उनमें से एक फल है बेड्यू, इसे हिमालयन अंजीर के रूप में भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने इस फल के महत्व के बारे में भी बताते हुए कहा कि इस फल में खनिज और विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग इसका सेवन न केवल फल के रूप में करते हैं बल्कि उसका उपयोग कई रोगों के उपचार में भी किया जाता है। आइए जानते हैं कि किन बीमारियों में सेहतमंद होता है बेड़ू का सेवन। बेड़ू में कौन से पोषक तत्व होते हैं? पहाड़ी अंजीर बेड़ू खनिजों विटामिन ए, B1, B2 और सी आहार, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, आवश्यक अमीनो एसिड के साथ साथ फिनोलिक पदार्थों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। ये अपने स्वाद, रंग और सुगंध के कारण बहुत अच्छी संवेदी स्वीकार्य दिखाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में फायदेमंद है बेड़ू। एक रिसर्च के अनुसार बेड़ू पाचन से संबंधित रोग में बहुत फायदेमंद होता है। कब्ज, IBS, मतली, फूड पॉइजनिंग, गैस, सूजन, GRD और दस्त गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के सामान्य उदाहरण हैं। कई कारक आपके GI पथ और इसकी गतिशीलता में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से फाइबर में कम आहार खाने का नतीजा होता है। ऐसे में बेड़ू खाना फायदेमंद हो सकता है क्योंकि ये डाइट्री फाइबर का एक अच्छा स्रोत होता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।